दरबार में ईद मिलादुल नबी पर्व की धूम मची रही। ईद मिलादुल नबी पर्व के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बैंड बाजे के साथ धूमधाम के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस में बच्चा बच्चा कुर्बान मोहम्मद के नाम पर नारे की गूंज के साथ जुलूस निकाला गया, जहां जुलूस दरगाह बाजार से शुरू होते हुए अंसारी मोहल्ला, नाथ मोहल्ला, बस स्टैंड के सदर बाजार, मोमिन मोहल्ले के रास्ते वापस दरगाह बाजार पहुंचकर जुलूस का समापन हुआ। तो वहीं दरगाह मस्जिद के इमाम द्वारा और गांधी चौक में पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। रामस्वरूप प्रजापति ने इमाम साहब को माला पहनाकर वह हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता की मिसाल कायम की है। ईद मिलादुल नबी पर्व को लेकर कल रात्रि में दरगाह की ओर से दरगाह तालाब में भरी आतिशबाजी भी की गई और गणेश विसर्जन और ईद मिलादुल नबी एक दिन होने के चलते सरबाट में जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए। पुलिस की माकूल व्यवस्था भी देखने को मिली। अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उन तोहफों का बदला देते हैं, मगर देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत, देखो मशीयत एस्ती, देखो मशीयत परवरदिगार, देखो कि मीलाद मुस्तफा का सदका जब कायनात में तकसीम किया जाता है, जब आलम में बांटा जाता है, दुनिया में मीलाद मुस्तफा के सदके की जब तकसीम होती है, कसम रब्बुल जलाल की, मीलाद मुस्तफा के सदके में हजरत आदम मस्जिद मलाइका बना दिए जाते हैं, हजरत इब्राहिम पर आतिश नबरूद गुलजार हो जाती है, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलात व सलाम के गर्दन पर छुरी अपना काम नहीं करती है, हजरत इब्राहिम पर आतिश आगे जो है नबरूद की आग गुलजार हो जाती है, हजरत ज़करिया, हजरत यहिया, हजरत ईसा, हजरत मूसा, तमाम पैगंबर अल्लाह के नबी की मिलाद का सदका पाते हैं। इसीलिए तो इमाम इश्क़ो मोहब्बत के शहजादे गिरामी वक़ार ताजदारे अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आलम हिंद इरशाद फरमाते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं। रसूल पैगंबरों के आने का दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे आका की आमद का ऐलान करना। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात और याद आ गई है उलमाए किराम के फ़ुयूज़ो बरकात से, वो भी बता के बात को ख़त्म करता हूँ। रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। एक बात दावे के साथ, गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। आप तशरीफ उठाकर देख लो, आप तारीख उठाकर देख लो, आप तारीख खंगाल कर देख लो, उनकी सीरतों का मुताला कर लो, हदीस पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, सीरत की किताबें पढ़ लो, तफसीर की किताबें पढ़ लो, हर पैगंबर का, हर नबी का, हर रसूल का दुनिया में आने का वाहिद मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह के नबी की आमद का ऐलान करना, अल्लाह के हमारे और आपके पैगंबर की जलवा करी का ऐलान करना। वरना अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। सारी कायनात, कोई भी कायनात का एक फर्द बशर अल्लाह को ना माने, खुदा की खुदाई पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और दूसरी बात ये, आपने हजारों मर्तबा ये सुना होगा कि जब मेरे सरकार मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, मेरे आका की विलादत हुई, तो उस जमाने में जिहालत का आलम यह था, जिहालत का आलम यह था कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, ये उनकी जिहालत की बुनियाद पर ऐसा था। तो अब जिस बरस, जिस साल मेरे आका की विलादत हुई, इतनी धीरे से बोलेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे सरकार की जलवा गरी हुई, तो उस साल पूरे साल पूरी दुनिया में, पूरे कायनात में किसी भी लड़की की पैदाइश नहीं हुई। जितने भी पैदा हुए सब लड़के ही लड़के पैदा हुए। अब आप कहोगे ये अल्लाह तबारक वताला ने क्या किया, लड़कियां क्यों नहीं पैदा किया, लड़कियां क्यों नहीं दुनिया में आई। अब किसी का जहन कहीं भी जा सकता है, जो जिस लायक, जिस कैटेगरी का, जिस हैसियत का होगा वो वही सोचेगा, जिसका जहन जैसा होगा वो यही सोचेगा। मगर कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा ईमान।